नमस्कार दोस्तों, मैं सिल्टू वेरा आप सभी को स्वागत करता हूँ योर मेड लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज हम आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है दाद खाज खुजली का ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, ये सब बीमारी होता कैसे है? दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन के वजह से आपको हो सकता है, या फिर मान के चलिए जिस सब एरिया में आपको ज़्यादा पसीना होता है वो सब एरिया में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके साथ साथ मान के चलिए अगर किसी को ये बीमारी पहले से है तो उसके संपर्क में आने से भी ये जो बीमारी ये आपको हो सकता है, यानी एक टाइप के छुआछूत से भी ये बीमारी आपको हो सकता है, क्योंकि उस जो पेशेंट है उसका जो पर्स वगैरह जो निकलता है या फिर जो जहाँ पे उनका इन्फेक्शन हुआ है उनको छूने से वजह से वो बैक्टीरिया फिर वो जो फंगस है वो आपके शरीर में भी आ सकता है। तो इसी के चलते या फिर इसी तरीके से ये बीमारी फैलता है। तो इसमें हम लोग जो मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टैबलेट जोकोन 150। इसमें है आपका फ्लूकोनाजोल 150 mg। ये टैबलेट आपको हफ्ता में एक बार लेना है खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपना डॉक्टर का सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपका डॉक्टर आपको सही गाइडेंस दे पाता है। और दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेडिसिन के मामले में आधा अधूरा ज्ञान आपके जान के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये अगर बीमारी यानी इस टाइप से अगर दाद खाज खुजली आपको होता है तो उसमें आप एक सोप यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है आपका केजेड सोप। इसमें है आपका केटोकोनाजोल। तो ये आप दिन में एक बार नहाने के टाइम यूज़ कर सकते हैं, एक दिन गैप दे दे के, यानी अगर आप आज इस्तेमाल करते हैं तो कल छोड़ के परसों कीजिएगा, उसी हिसाब से इस मेडिसिन को यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ हम लोग जो क्रीम के बारे में बात करेंगे जो आप उस जगह पे लगा सकते हैं, उसमें है आपका क्लोबिटा GM। इसमें है आपका क्लोबिटाजोल, नियोमाइसिन, माइकोनाजोल, जिंक, ये सारे मॉलिक्यूल्स। ये जो क्रीम है, ये क्रीम आप उस जगह पे यानी दाद या फिर खाज खुजली के जगह पे आप दिन में 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम लगा सकते हैं। इससे आपका जो दाद है या फिर उस एरिया में जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको खुजली ज़्यादा होता है तो आप मोंटिना L टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट आपको रात में एक बार खाना खाने के बाद लेना है। तो दोस्तों, ये टैबलेट का पूरा डिटेल्स वीडियो, इसका साइड इफ़ेक्ट, इसका डोज, ये किन किन बीमारी में लेना नहीं चाहिए, किन किन पेशेंट को लेना नहीं चाहिए, पूरा डिटेल्स हमारे चैनल में वीडियो बना हुआ है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, हम लोग हमारे चैनल में ज्वाइंट बटन को इनेबल किए हैं, यानी आप चाहे तो हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपना फैमिली का ट्रीटमेंट यानी पूरा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसको आप मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर कॉमेंट में बोलिएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक के बारे में जानना है, कौन कौन से विषय में आपको जानना है। तो दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को किसी को अगर इस टाइप का फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट में। तो दोस्तों, धन्यवाद।